بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته my dear students this is our fourth video lecture of physics second year online classes phase 3 from Ikra Hufaz Boys College and it is about MCQs preparation and revision of chapter number 12 electrostatics part 2 of 2 we have earlier discussed about 20 MCQs from this chapter, including all the relevant topics which are included in the condensed syllabus this year 2021. And for now, we will move on to further MCQs, remaining MCQs around 25 to 30, inshallah. And I hope not only for board exams, but you will also get good preparation for the ECAT exam, that is aptitude test for the university entry test. ये MCQs आपको इंशाल्लाह ताला board के exam के साथ साथ जो aptitude test होता है university के admission में वहाँ पे भी आपको बहुत काम आएंगे. इसमें तकरीबन हर किस्म के जो topics शामिल हैं chapter में वो तमाम topics से related MCQs मौजूद हैं. 1000 MCQs भी आप solve कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें जितने टॉपिक्स आ रहे थे तो वो इन 40, 50, 60 एमसीक्यूज में तकरीबन तमाम टॉपिक्स इंशाल्लाह ताला कवर होंगे. तो इनको आप गौर से सुने, समझे, एक एक पॉइंट को अपने पास जो है वो नोट करें और जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें. अच्छा, एक दफ़ा फिर हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो फार्मूलाज थे जो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 3 में भी रिवाइज किए थे, एक दफ़ा आपको मैं फिर आपके सामने रख देता हूँ. एक दफ़ा हम इनको फार्मूलाज को पढ़ लें. फोर्स का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है. मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अब तक याद हो चुके होंगे. अगर नहीं याद तो आप इनको ज़रूर याद कर लें ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी रहे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कैपेसिटेंस का फॉर पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का ये फार्मूला है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूलाज आपको सब पता होंगे और यूनिट्स भी आपको पता होंगे. तो इसके हिसाब से हम आगे एमसीक्यूज की तैयारी करेंगे. सो हमने नंबर 20 तक कर लिए थे और हम आगे बढ़ते हैं नंबर 21 से शुरू करते हैं. इफ टू कैपेसिटर्स ऑफ 5 माइक्रोफेरेट एंड 7 माइक्रोफेरेट आर कनेक्टेड एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी. अच्छा, यहाँ पे कैपेसिटर्स की बात हो रही है तो आप याद रखिए कैपेसिटर्स में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो डायरेक्ट प्लस होता है. यानी जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं पैरेलल में, उनकी कैपेसिटेंस को हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं. तो यहाँ पे दो कैपेसिटर्स हैं 5 और 7, तो हम इनको डायरेक्ट प्लस कर देंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी. यानी 5 प्लस 7 12 होता है, तो 12 माइक्रोफेरेड इसका आंसर आएगा. अगर यहाँ पे लिखा होता फॉर एग्जांपल सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे हम इनवर्स करके इसको प्लस करते. यानी 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2, जैसे आपने लास्ट स्क्रीन में पिछली स्क्रीन में फार्मूला देखा था. तो फिर हम 1/5 + 1/7 करके सॉल्व करते हैं, उसके बाद आंसर आता. यहाँ पे चूँकि पैरेलल है तो पैरेलल में कैपेसिटर्स में डायरेक्ट प्लस हो जाता है. ठीक है, नंबर 22 पे है. इफ़ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैप्ट एट अ कांस्टेंट पोटेंशियल द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस. ये वाला जो एमसीक्यू है हमने लास्ट लेक्चर में इसको बहुत तफसील से पढ़ा है, समझा है. आप लोगों ने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, उसमें इसकी तफसील है कि किस तरह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में आ जाए तो उसकी वजह से चार्ज जो है वो कैपेसिटर में इंक्रीज हो जाता है. आंसर इसका ये है कि जब भी इतनी बात ज़रूर याद रखें कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में तो चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है. इसके साथ साथ कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होती है क्योंकि जो चार्ज है और कैपेसिटेंस है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. नंबर 23, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल. ये बात भी आसान है, आप सबको पता है ये रिलेशन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है यहाँ 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के. यहाँ पर जो एक कन्फ्यूजन होती है मैं उसको क्लियर कर दूँ. अक्सर फार्मूला जो एमसीक्यू है पेपर में वो इस तरह से भी आता है कि 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल. ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन कभी कभी बाद वो आपको ऑप्शन में ये भी दे देते हैं कि 1.6
वन इक्विवेलेंट बराबर है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 मेगा जूल या 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 किलो जूल या 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 13 मेगा जूल। ये आपको ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस वो दे देते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, ठीक है। इसके अलावा वो आपको कभी कभी बाद वक्त ये भी दे देते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 6 माइनस 13 माइक्रो जूल, ठीक है। अब आपने इसमें से क्या, कैसे पता लगाना है कि ये कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये कौन सा गलत है? एक तो ये ऑप्शन तो ठीक है ही, आपको पता है। अगर आप इसको देखिए 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 मेगा जूल, तो मेगा का मतलब होता है एक्सपोनेंट 6। अगर एक्सपोनेंट 6 और एक्सपोनेंट 9 माइनस 19 को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो एक्सपोनेंट माइनस 13 आ जाता है, तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। यानी अगर इन एक्सपोनेंट 6 और एक्सपोनेंट माइनस 19 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर बनता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 13 जूल, तो ये आंसर गलत है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखो किलो जूल, तो किलो का मतलब होता है एक्सपोनेंट 3, तो एक्सपोनेंट 3 और एक्सपोनेंट माइनस 19 को कर दोगे आप आपस में मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 16 जूल, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 13, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बन जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 13 और प्लस 6 हो जाएगा माइनस 7 जूल, ये भी गलत है। आखिर में ये रह जाता है, तो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल ये बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, क्योंकि आपको पता है ये जो माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है एक्सपोनेंट माइनस 6, एक्सपोनेंट माइनस 6, एक्सपोनेंट माइनस 6 और एक्सपोनेंट माइनस 13 को जब आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंट माइनस 19, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी एमसीक्यूज में आपसे फाइनल पेपर्स में पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इसके बाद आपके पास है नंबर 24, द प्रेजेंस ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द कैपेसिटर। आप देखें ये जो ऊपर न्यूमेरिक एमसीक्यू आया नंबर 22 और ये जो यहाँ पे आए नंबर 24, ये तकरीबन एक ही जैसे एमसीक्यू है, इसमें सिर्फ अल्फाज की चेंजिंग हुई है, वगरना जो एमसीक्यू है वो एक ही जैसा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही बात है कि अगर डायलैक्ट्रिक स्लैब आ जाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में तो चार्ज इंक्रीज होगा। यहाँ पे भी यही बात है कि अगर डायलैक्ट्रिक आ जाए कैपेसिटर के दरमियान में तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो चार्ज और कैपेसिटेंस दोनों चीज़ें इंक्रीज होती हैं डायलैक्ट्रिक स्लैब के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के दरमियान में आ जाने से। नंबर 25 है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है वर्क डन, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी अपॉन चार्ज, ये बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वो आप अपने पास नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, वो होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, यानी एनर्जी अपॉन चार्ज पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का मतलब भी होता है जूल और चार्ज का मतलब होता है कूलम, तो इसका यूनिट है जूल पर कूलम, ठीक है ना। तो ये होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इसका आंसर हो जाएगा नंबर 25 का। नंबर 26 पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। अगर टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स है तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। अगर सिंगल चार्ज प्लेट है तो सिंगल चार्ज प्लेट की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अगर टू प्लेट्स यानी दो प्लेट्स आमने सामने आ जाती है तो दूसरी प्लेट की भी यही होती है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टू से टू कैंसिल तो हमारे पास रह जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कहते हैं चार्ज डेंसिटी को और जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है जी। नंबर 27 पे आ जाए, द मिनिमम इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉसिबल इन आइसोलेटेड फॉर्म इज। मिनिमम जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के
चार्ज के बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई एलिमेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, तो इसलिए मिनिमम चार्ज ये होता है, इससे कम कोई चार्ज नहीं हो सकता। नंबर 28, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। अब आप गौर से देखें, ये वाला जो एमसीक्यू था नंबर 25, इसमें क्या कह रहे थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखें यहाँ पे भी वही अल्फाज है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद है पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ अ यूनिट चार्ज, ये दोनों एक ही बात है, अल्फाज चेंज है मतलब एक ही है। बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ भी आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अल्फाज के थोड़े से हेर फेर से भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे, आंसर एक ही होता है, मतलब एक ही होता है, लेकिन अल्फाज में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे यहाँ पे दो एमसीक्यू आपके सामने मिसाल मौजूद है, इन दोनों को दोबारा आप गौर से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि अल्फाज में किस तरह से चेंजेस की जा सकती है। नंबर 29 पे है, फोर्स ऑन अ प्रोटॉन प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आप लोग रुक जाए, इक्वल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं जो इक्वल पॉजिटिव चार्ज, यानी एक पर पॉजिटिव है प्लस प्लस चार्ज है, दूसरे पर भी प्लस प्लस चार्ज है, उन दोनों के दरमियान में एक प्रोटॉन मौजूद है, उस प्रोटॉन पे क्या फोर्स लगेगी, यानी आप ये समझ लें कि एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, इस पर भी प्लस चार्ज है, इस पर भी प्लस चार्ज है, तो आपको पता है इसके दरमियान में एक प्रोटॉन, तो ये वाली जो प्लेट है ये इस पर आउटवर्ड फोर्स लगाएगी, ये वाली प्लेट भी इस पर आउटवर्ड फोर्स लगाएगी, तो नतीजतन क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और दरमियान में जो प्रोटॉन मौजूद है वो स्टेशनरी हो जाएगा, यानी वो मूव नहीं करेगा, दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, ठीक है। तो ऐसी सूरत में कि अगर सेम साइन वाले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सेम साइन वाली प्लेट से, तो उनके दरमियान में कोई भी आ जाए उस पर कोई फोर्स नहीं लगती, जीरो फोर्स हो जाती है, ठीक है जी। इसके बाद आ जाएं आप नंबर 30, अ डाई इलेक्ट्रिक के इज इक्वल टू इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ 20 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस, तो इसका फार्मूला होता है अगर कोई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेरेड है, उसके दरमियान में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक आ गया के इज इक्वल टू टू, तो आप डाइलेक्ट्रिक को उसकी कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास नई कैपेसिटेंस आ जाएगी, यानी एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस इतनी है, उसमें जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा जिसकी वैल्यू है 2, तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, तो आंसर आ जाएगा 220 = 40, तो 40 माइक्रोफेरेड हो जाएगी नई कैपेसिटेंस। आपने पहले भी ऊपर पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, तो यहाँ 20 से बढ़ के 40 हो गई। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा होता 3, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करते 60 आंसर आ जाता है। ये वाला सवाल हमने पहले किया हुआ, एग्जैक्ट वही सवाल है कि अगर 4 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड के दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने के लिए आपको 1/4 + 1/2 करना पड़ेगा। नंबर 32 पे है, क्वांटिटी ई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस इज कॉल्ड। अच्छा, इस क्वांटिटी को देखें, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस, इसको समझते हम एक मिसाल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक है ये प्लेट्स प्लस वाली, एक है ये माइनस वाली, इस पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्जेस, इस पर है माइनस चार्जेस। जो प्लस चार्ज होता है ना उसको हम कहते हैं हाई पोटेंशियल, और जो माइनस चार्ज होता है उसको हम कहते हैं लो पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल का मतलब है मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम एक वोल्टेज का वोल्ट का स्केल बना देते हैं, यहाँ पे है 10, यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे होगा 8, तो ये कम होते 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 यहाँ पे हो गए 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो जाएगी 0 वोल्ट। ये पोटेंशियल का मतलब है कि सबसे ऊपर जो है मैक्सिमम पोटेंशियल, यानी 10 होगी, उससे कम नीचे 9, फिर 8, फिर बिल्कुल आखिर में आके 0 हो जाएगी। तो ये पोटेंशियल क्या हो रहा है कि इस लाइन में अगर आप देखो तो 9 है, इस लाइन में अगर आप देखो तो 8 है, इस लाइन में देखो तो 7 है, आखिर में आते आते बिल्कुल जब यहाँ पहुंचेगा तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यहाँ 7 था, यहाँ 8 था, यहाँ 9 था, ठीक है जी। तो इससे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ पर जब 9 था पोटेंशियल, जब हम थोड़ा सा नीचे आ गए तो 7 हो गया, सॉरी 8 हो गया, फिर और नीचे आ गए तो 7 हो गया, तो डिस्टेंस कवर करने से पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस का मतलब ये है कि हम 1 मीटर फॉर एग्जांपल नीचे आए तो पोटेंशियल में 1 वोल्ट का फर्क आ गया, कि यहाँ पे 9 था, हम 1 मीटर नीचे आ गए तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 8, और 1 मीटर नीचे आ गए तो अब आ गया 7। ये कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि डिस्टेंस के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ वोल्टेज में कमी आ रही है। 1 मीटर नीचे जाने से
पोटेंशियल डिफरेंस में एक वोल्ट की कमी आ रही है, ये कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस, याद रखिएगा ये फार्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कहा जा सकता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट डिस्टेंस। नंबर 32 पे 33 पे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ फेमस साइंटिस्ट कॉल्ड फैराडे। आपको पता है सबसे पहले फैराडे साहब ने दिया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, ये एक आसान से चीज है याद रहने वाली। नंबर 34 पे डिक्रीजिंग द सेपरेशन ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस बाय 1/2। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके दरमियान में जो सेपरेशन है यानी डिस्टेंस है उसको हम हाफ कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स हाफ, यानी हाफ करने से फोर्स 4 times बढ़ जाएगी। या आपने फॉर्मूला पढ़ा है एफ का कि एफ बराबर है एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर जो है ना वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस कम कर दिया जाएगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस अगर हाफ किया जाएगा यानी 2 times कम किया जाएगा तो फोर्स जो है ना वो उसका स्क्वायर टाइम्स यानी 4 times बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है आपके पास नंबर 35, कूलम्ब अपॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटेंस का फार्मूला भी आपने पढ़ा है, बराबर होता है क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो मैं अगर वोल्टेज को यहाँ पे डिवाइड करा दूँ तो ये हो जाएगा चार्ज यानी कूलम्ब पर वोल्ट। तो कूलम्ब पर वोल्ट ये यूनिट है कैपेसिटेंस का। ठीक है, कैपेसिटेंस का यूनिट है कूलम पर वोल्ट, इसका आंसर आ जाएगा कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। नंबर 36 पर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये वाला पूरा एमसीक्यू रिपीट हुआ है, हमने ऊपर लास्ट लेक्चर में किया था कि जूल पर कूलम नहीं हो सकता, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, दोनों के दोनों यूनिट होते हैं। ये वाला भी हमने प्रूफ किया था कैसे कि न्यूटन, इसमें अगर हम मीटर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो जो न्यूटन मीटर बनेगा वो जूल हो जाएगा और नीचे कूलम मीटर वैसी रहेगा। तो ये लास्ट है जो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट नहीं हो सकता। नंबर 37 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। तो भाई पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सारी स्केलर होती है, ये स्केलर नहीं होती, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। नंबर 38 पे टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 4 exponent - 4 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter। ये 1 meter के डिस्टेंस पर मौजूद है और इनकी फोर्स है 4 exponent - 4 न्यूटन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज बाय 2 meter द फोर्स ऑफ रिपल्जन विल बी। अगर इनकी दरमियान डिस्टेंस है 1 meter तो इनकी जो डिस्टेंस है इनके दरमियान में वो 2 meter इंक्रीज कर दिया, यानी 1 से 2 अगर इंक्रीज करेंगे तो 3 meter तक चली जाएगी ये बात। तो हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 2 meter इंक्रीज कर रहे हैं, तो लाजमन जो फोर्स है वो 4 times कम हो जाएगी। अगर हम 2 meter इंक्रीज करेंगे तो जो फोर्स है वो 4 times कम होगी क्योंकि स्क्वायर टाइम्स कम होती है। तो 2 meter इंक्रीज करने से फोर्स 4 times कम हो जाएगी, इसका मतलब अभी 4 है तो 1 हो जाएगी, 4/4 1 होता है, तो 1 exponent - 4 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, नंबर 39 पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ अ स्फीयर व्हिच कंटेन्स अ चार्ज एट इट्स सेंटर डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जो चार्ज अंदर मौजूद है उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद रखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फ्लक्स फाइ इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाइ इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्यू का मतलब है चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो उसके बाद आ जाए नंबर 40 व्हेन अ डायलेक्ट्रिक इज प्लेस बिटवीन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट बिकम्स पोलराइज। ये वाली बात भी हमने कल लास्ट टाइम की थी कि अगर कोई डायलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आ जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाए तो उसमें पोलैरिटी आ जाती है, यानी उसके एक तरफ प्लस चार्जेस जमा हो जाते हैं दूसरी तरफ माइनस चार्जेस हो जाते हैं। नंबर 41 है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन द। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती है उसकी जो कैपेसिटेंस का फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। उसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आप देख सकते हैं इस फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ए आ रहा है यानी एरिया, डी आ रहा है यानी डिस्टेंस, और एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये कैपेसिटेंस इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, इसके अलावा पर डिपेंड नहीं करती। तो एरिया पर भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है, मीडियम जो दरमियान में मौजूद है उस पर भी डिपेंड करती है। एप्सिलॉन नॉट के जरिए से पता चल रहा है नेचर ऑफ द प्लेट से, क्या नेचर ऑफ द प्लेट से मतलब प्लस प्लेट है या माइनस प्लेट है, इस पर डिपेंड नहीं करती कैपेसिटेंस। ठीक है, नंबर 42 पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड
पोटेंशियल डिफरेंस, ये सेम आप गौर करें तो एक एमसीक्यू इस तरह का ऊपर भी आए, अल्फाज यहाँ पे फिर चेंज है, वरना ऊपर भी इस तरह का एक एमसीक्यू हमने पढ़ा है। ये रहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इसका आंसर भी पोटेंशियल डिफरेंस है। नंबर 43, टू कैपेसिटर्स ऑफ 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलता है वो 1/C1 + 1/C2 करके निकलेगा, यानी 1/3 + 1/6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पर जो एक गलती जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं उसका ख्याल रखिएगा, आप 1/C इक्विवेलेंट निकालेंगे उसके लिए आप करोगे 1/2 दो वैल्यूज हैं उसकी 6 और 3, तो 1/6 + 1/3। आप इसको सॉल्व करने के बाद एक दफ़ा इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट ज़रूर कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर नहीं छोड़िएगा वरना आखिर में ये कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद है नंबर 44 पे, इफ़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स है एट आर डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस पर, वो एफ न्यूटन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एट द सेम डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस को सेम रखें और प्रोटॉन्स के दरमियान फोर्स निकालें दो प्रोटॉन के दरमियान, तो वो फोर्स क्या होगी, वो एफ, वो फोर्स एफ ही होगी। वजह क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो सेम होता है, और इसके साथ साथ चार्ज के साथ साथ जो डिस्टेंस है वो भी हमने सेम रखा है, तो फोर्स दोनों सूरतों में सेम होगी। नंबर 45 पे रिलेशन माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डिफरेंस, ये वही चीज़ है जो ऊपर हमने पढ़ा था, जिसे हम कह रहे थे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, जिसके मैंने डायग्राम से आपको समझाया भी है। यहाँ पे आप देखो डेल्टा वी का मतलब है वोल्टेज और डेल्टा आर का मतलब है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, माइनस का मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ, इसका आंसर में पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आप लिख सकते हो और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी आप लिख सकते हो। यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट का ऑप्शन नहीं है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आप लिखेंगे। अच्छा, अब एक बात और, यहाँ पे अगर माइनस आ जाए ना तो आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिखिएगा, अगर माइनस ना हो तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखिएगा, ये बात याद रखिए। ये समझाता हूँ मैं किस तरीके से, आप गौर करो तो यहाँ पे प्लस प्लेट है एक और यहाँ पे माइनस है, आप गौर करो तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। तो जैसे जैसे हम इधर से दूर जा रहे हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होते जा रहे हैं, 10, 9, 8, ठीक है ना, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो यही होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी प्लस से निकल के माइनस में जाती है इलेक्ट्रिक लाइन। तो इसका मतलब है कि प्लस से माइनस में आ रही है, यानी वोल्टेज कम होता जा रहा है डिस्टेंस के साथ साथ, इसलिए यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है जी, उम्मीद है यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है नंबर 46, इफ द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल कैपेसिटेंस, वही बात हो रही है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका फार्मूला आपको याद हो, कह रहे हैं उसमें एरिया अगर डबल कर दे तो आंसर में क्या फर्क पड़ेगा, तो ये फार्मूला है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसमें एरिया और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको नजर आ रहे हैं, अगर एरिया डबल हो जाएगा तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगी। ठीक है जी, नंबर 47 पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि क्यू 1 कूलम है, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम कर लें, इसका फार्मूला आप सबको उम्मीद है पता ही होगा, क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, क्यू मतलब है चार्ज यानी 1 कूलम, यहाँ पे आप रखोगे 1 और एन आपने मालूम करना है, ई का मतलब होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, इसको वहाँ डिवाइड कराओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आई थिंक 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स कुछ करके आ जाएगा। इसके बाद नंबर 48 पे, इफ़ द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स एंड एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट आर डबल, इफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड एरिया ऑफ द प्लेट्स, यानी सेपरेशन और एरिया दोनों को डबल कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा, आप फार्मूले में देख सकते हैं कि सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यहाँ पे एरिया न्यूमरेटर में, एरिया को डबल करने से कैपेसिटेंस डबल होती है और सेपरेशन को डबल करने से कैपेसिटेंस कम हो जाएगी क्योंकि वो इन्वर्सली रिलेशन है। लेकिन अगर हम इसको भी डबल कर दें और इसको भी डबल कर दें, यानी यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगी। नंबर 49 पे है, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल इज 0, ये आपको पता होना चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है वो सरफेस या वो लाइन जहाँ पे पोटेंशियल सेम है, ऐसी सरफेसेस पे वर्क डन किसी चार्ज को मूव कराने में 0 होता है। ये कैसी सरफेस होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो लाइन है, ये वाली 9,
यहाँ पे जो पोटेंशियल है इस पूरी लाइन पे वो 9 वोल्ट है, ये कहलाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके नीचे वाली जो लाइन है पैरेलल ये 8, यहाँ पे जो पूरी लाइन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 8 वोल्ट है, ये कहलाएगी इक्विपोटेंशियल लाइन या इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस लाइन पे अगर आप किसी चार्ज पे वर्क डन करना चाहो तो वो 0 होता है, यानी आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। और वो क्यों 0 होता है, आपने फार्मूला पीछे देखा है कि जो डेल्टा वी है उसका फार्मूला होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो क्यू को यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, ठीक है जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम हो जाता है, चेंज नहीं हो रहा होता पूरी लाइन में, तो डेल्टा वी डब्ल्यू भी इसलिए 0 हो जाएगा। तो इसके 0 होने से डेल्टा डब्ल्यू यानी बर्डन 0 हो जाता है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ठीक है जी। नंबर आज की लास्ट एमसीक्यू क्या है, दिस इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, हमने ऊपर भी पढ़ लिया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी नहीं होती। उम्मीद है आप स्टूडेंट्स को ये समझ आ गया हो, किसी में कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और इन तमाम एमसीक्यूज को आप दोबारा से देखें समझें, और इंशाल्लाह ताला आप अगर ये अच्छे तरीके से करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि पेपर फाइनल पेपर के साथ साथ आपकी ई कैट की तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।